Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video for Sushant Singh Rajput. किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, ये भी मैं अपने कार्ड्स के थ्रू देखना चाहूँगी. जो कुंडली उनकी बन के आती है वो अकॉर्डिंग टू द 21 जनवरी 1986 बिहार में वो जन्मे हैं. जो भी उनका टाइम है वो जो कुंडली जो बन मैंने भी देखी कुंडली उनकी, तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और थर्ड हाउस में उनकी सन वीनस और जुपिटर और सेवेंथ हाउस में मून बैठा हुआ है. इस तरीके से बैठा हुआ है तो बाकी ग्रह भी बैठे हुए हैं. मैंने देखी थी कुंडली, वो डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं ये मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर, ये जो जिस किसी ने मुझसे पूछा हुआ है उसी का आंसर मैं यहाँ दे रही हूँ. हालांकि कुंडली उनकी सही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पर्सन भी हम लोग पहचान लेते हैं. जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो पर्सन की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो बर्थ चार्ट जो बन के आता है, अगर वो क्वालिटीज़ आप रखते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर जो सही एस्ट्रोलॉजर जो होगा वो पहचान जाएगा कि ये डेट ऑफ बर्थ और ये जो कुंडली बन के आ रही है इस व्यक्ति में वही वही गुण हैं, वही वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही वही ट्रेट्स हैं जो कि कुंडली में मिलान हो रहे हैं कि नहीं. क्योंकि सुशांत बहुत ही फेमस थे, रिच एंड प्रॉस्पेरस थे, ये कई बार कार्ड में भी आ चुका है. उनकी कुंडली भी वही चीज़ को कहती है. लेकिन क्योंकि उनकी माँ जो थी उन्होंने जल्दी उनको खो दिया, माँ से बहुत ज़्यादा जो वो चाहते थे कि एक लॉन्ग टर्म तक उनको बहुत प्यार मिलता अपने माँ से, तो एडोलेसेंस की एज में ही उन्होंने अपनी माँ को इतनी जल्दी खो दिया. और क्योंकि सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ है मून तो उनके रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे स्टेबल नहीं हो पाए, तो रिलेशनशिप्स भी जो है फीमेल के साथ कुछ टूटे कुछ बने, फिर इस तरीके से मतलब माइंड कंफ्यूज इमोशनली इंसान इतना टूट जाता है कि कई बार प्रेडिक्शंस में भी आया है, आपने देखा होगा कि उनके जो इमोशंस हैं वो कई बार किसी ने फ़ायदा उठा लिया, किसी ने जो है वो खुद इतना ज़्यादा तकलीफ में रहे इमोशनली कि वो कोई संभालने वाला नहीं था उनको. तो इस तरीके का कुंडली कहती भी है. तब भी मैं आपका प्रश्न ले रही हूँ जिस किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि उनकी कुंडली जो 21 जनवरी 1986 की है जो बन के आती है, मैं अपने आसपास एंजल से पूछना चाहूँगी. मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डिवाइन एनर्जीज जो कोई पॉजिटिव एनर्जीज हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, उनकी कुंडली जो बन के आती है वो सही है क्या, वो क्या कहना चाहेंगे इस पर. क्योंकि किसी व्यूअर ने पूछा हुआ है तो मैं प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी, प्लीज़ मुझे बताएं उनकी कुंडली सही है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है. यही प्रश्न है कि डेट ऑफ बर्थ उनकी सही है क्या. यहाँ जो थ्री कार्ड्स आए हुए हैं वो बिल्कुल जो मैं आपको अभी जो बता ही रही थी वही कार्ड निकल के आए हैं. जजमेंट का कार्ड आया, दैट मीन्स इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई जो है वो संदेह की कोई स्थिति ही नहीं है. देर इज़ नो कन्फ्यूजन, देर शुड बी नो कन्फ्यूजन. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है गलत, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है, जजमेंट का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि उनका जो जन्म हुआ है वो जो कुंडली उनकी बनती है वो किसी ये कार्ड ये भी बताता है कि किसी गलत चीज़ को सामने ला करके सही चीज़ को रखना. क्योंकि उनका मैंने बताया ना कि सैटर्न जो है उनका लग्न में बैठा हुआ है, उच्च का शनि बैठा हुआ है, ऐसी कुंडली बहुत कम होती है, बहुत ही कम कि जिसमें शनि उच्च का बैठा हुआ हो. और जो इसके जो हाउस हैं, टू हाउस होते हैं ये 10 और 11 जो राशि जो होती हैं वो हाउसेस में जो बैठे हुए जो राशियां हैं दोनों वो भी अच्छे घर में बैठे हुए हैं, यानी कि नीच का हो गया वो शनि, ऐसा नहीं है. तो उनकी शनि बहुत अच्छा है, जिसके कुंडली में शनि अगर उच्च का हो तो काफ़ी चीज़ें जो है वो व्यक्ति बहुत न्यायपूर्वक होता है, मतलब कि न्याय को मानने वाला होता है. तो ये जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स कि वो गलत चीज़ कभी अपने जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते थे सुशांत, कभी नहीं. अगर उनको लगता था कि कोई जना गलत कर रहा है तो फौरन वो बोलते थे उस चीज़ को, वो ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकते थे. इस तरह की कुंडली का कैरेक्टरिस्टिक था उनका. ये कार्ड अगेन एंजल का आया हुआ है, ये कई बार आ चुका है पहले भी.
और ये कार्ड ये बताता है कि उनको गॉड से ब्लेसिंग्स थी, वो किसी काम के लिए आए हुए थे, किसी जजमेंट का जस्टिस करने के लिए आए हुए थे, जैसे हम लोग सब चिल्ला ही रहे हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, तो उनके साथ अगर जस्टिस हो जाएगा ना तो सारी चीज़ें अपने आप ही खुल करके आ जाएंगी बॉलीवुड की। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि कई एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ को प्रमाण दे चुके हैं, दैट मीन्स प्रूफ कर चुके हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है। और ये कार्ड यहाँ बताता है कि इसमें कोई अगेन वही इसमें बेकूफ़ी होगी, फूल का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स ये बेकूफ़ी होगी कुछ भी कहना उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, ऐसा एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। खुद आप खुद देख सकते हैं एंजल्स का कार्ड आया हुआ है, जब एंजल का कार्ड आता है दैट मीन्स कि हामी भर रहा है जो कोई भी एंजल है जो कनेक्ट, मैं जो कनेक्ट करती हूँ यूजली, और मैं इसी जगह पे आके कनेक्ट करती हूँ, मेरे मुझे एक स्पेस चाहिए होता है, खाली एक एक, एक शांतिपूर्ण माहौल चाहिए होता है मुझे, तो मैं जब कनेक्ट करती हूँ तो कार्ड्स आप खुद देखते हैं कि सही निकल के आते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका या संदेह की भावना होनी ही नहीं चाहिए, देर इज़ नो कन्फ्यूजन दैट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत इज़ करेक्ट, सही है उनकी डेट ऑफ बर्थ। ये हम खुद सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पे खुद बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे रिच एंड प्रॉस्पेरस एंड वेरी नॉलेजेबल साइंस के स्टूडेंट, या जो होते हैं ना साधु और साधु संत, जैसे बहुत ज्ञानी होते हैं रिलीजन को मानने वाले लोग, ज्ञान बांटते हैं ज्ञान लेते हैं, इस तरह का कार्ड यहाँ दोनों के लिए, ये दोनों ही कार्ड्स यही चीज़ बता रहे हैं। ये बहुत ही ये पहले भी कार्ड आ चुका है सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए, और ये अभी भी कार्ड यही शो कर रहे हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं है। जिस किसी ने मुझसे पूछा होता आई थिंक उनको आंसर मिल गया होगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, उनकी कुंडली जो बनती है वो भी बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग बैठती है और सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।